दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं एग्रीकल्चर कंपटीशन की क्लास नंबर 9 लेकर। दोस्तों यह क्लास में हम बताएंगे जनरल एग्रीकल्चर के बचे हुए बाकी सभी क्वेश्चन। दोस्तों आज जनरल एग्रीकल्चर की पूरी क्लास कंप्लीट हो गई है आपकी। 9 क्लास में हमने पूरा जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं देर ना करते हुए। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमने लिया है दोस्तों तकनीकी शब्द एवं भाषा, तकनीकी शब्द एग्रीकल्चर के। जैसे सबसे पहले एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान बोलते हैं। एग्रीकल्चर शब्द दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। नेक्स्ट है दोस्तों एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी यानी शस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आपका लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। नेक्स्ट है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी आपका लैटिन एवं ग्रीक दोनों ही लैंग्वेज का वर्ड है। ध्यान रखना पोमो आपका लैटिन वर्ड है जबकि ये लॉजी है वो आपका ग्रीक वर्ड है, इस बात का विशेष याद रखें। फल विज्ञान बोला जाता है हिंदी में इसको, तो यह आपका दोनों लैंग्वेज का, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे आपको इसको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर यानी सब्जी विज्ञान। दोस्तों यह आपका लैटिन भाषा का वर्ड है, ये भी कौन सी भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिकल्चर यानी आपका फूल विज्ञान, फूल विज्ञान या फ्लोरिकल्चर, यह शब्द आपका लैटिन भाषा से, यह शब्द अब किस भाषा से है? लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन, इंपॉर्टेंट है ये, इसको प्रसार की बोला जाता है, और यह आपका, ये भी आपका लैटिन भाषा से ही लिया गया शब्द है। नेक्स्ट है आपका सॉइल साइंस, दोस्तों सॉइल साइंस भी आपका लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों इनको हमने इसमें इस वीडियो में इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे जिसके पीछे कल्चर लगा है ना, और आपका कल्चर लगा हो तो आप लोग आंखें बंद कर इसे लैटिन भाषा में लिख सकते हो, और जिसके पीछे लॉजी एवं नॉमी है वह दोस्तों आपका ग्रीक भाषा का शब्द होता है। पोमोलॉजी थोड़ा डिफरेंस था, हमने आपको बता दिया। एक्सटेंशन और सॉइल साइंस का विशेष याद रखना है, दोनों का लैटिन भाषा। नेक्स्ट है पिसिकल्चर, जैसे हमने बताया जिसके पीछे कल्चर लगा है, लैटिन भाषा का शब्द। जैसे पैडोलॉजी, दोस्तों पैडोलॉजी आपको ग्रीक भाषा का वर्ड है क्योंकि जिसके पीछे लॉजी एवं नॉमी लगा होता है वह आपका ग्रीक भाषा का वर्ड है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, यानी ये आपका ग्रीक भाषा का वर्ड है। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजी, दोस्तों यह भी आपका ग्रीक भाषा का, यानी मौसम विज्ञान, ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों मानसून, मानसून आपका अरेबिक भाषा से लिया गया शब्द है। कौन सी भाषा से? अरेबी, जो अरबी भाषा है ना उसका ये शब्द है। नेक्स्ट है खरीफ, रबी, जायद, तीनों आपके जो सीजन है दोस्तों ये तीनों सीजन अरेबिक भाषा के हैं। कौन से भाषा के हैं दोस्तों? अरेबिक भाषा से लिए गए शब्द हैं खरीफ, रबी, जायद। ध्यान रखें विशेष सेल यानी कोशिका, ये भी दोस्तों आपका लैटिन भाषा का शब्द है। मार्केट यानी बाजार, मार्केट आपका लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों नीचे के जो चार है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इनको आप विशेष ध्यान रखना क्योंकि कई बार इनको आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए आप लोग इनका विशेष ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके सभी जितने भी थे भाषा तकनीकी शब्द एवं उन कौन सी भाषा से लिए गए। बात करते हैं दोस्तों आगे, अब बात करते हैं दोस्तों विभिन्न फसलों में उपस्थित जीन की। दोस्तों नॉरिन, नॉरिन एक जीन है जो कि बोना गेहूं में आपका डाला गया है। बिल्कुल दोस्तों, जो गेहूं होता है ना, पहले क्या था, सन 1965-66 की बात है, उस समय गेहूं एवं धान का प्रोडक्शन बहुत कम था, तो उस समय एक जीन जो कि डॉक्टर एनी बॉलॉय इनको लेकर आए थे, नॉरिन जीन को बोना गेहूं में डाला गया जिससे वो बोना हो गया। नेक्स्ट है डी जी बूजेन, दोस्तों ये आपका धान का एक बोनेपन का जीन है, इसका नाम है डी जी बूजेन, जिससे धान बोना हो गया एवं प्रोडक्शन हाई हुआ। गेहूं का भी और धान का दोनों का प्रोडक्शन एकदम से हाई हो गया और उनका जो आकार था वो छोटा हो गया लेकिन प्रोडक्शन उनका एकदम से बढ़ा। किन के कारण? इन दोनों जीनों के कारण। नेक्स्ट है क्राइबन, दोस्तों क्राइबन बीटी कॉटन का एक जीन है। बीटी कॉटन यानी वैसिलस थुरिएंजेसिस, जो कि आपका बैक्टीरिया है, वो कॉटन में डाला गया। इसका इसलिए दोस्तों क्राइबन क्योंकि
दोस्तों ये कीट लगता है इसमें, वो कीट का नियंत्रण करने के लिए ऐसा किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों ओपेक टू, ओपेक टू एक जीन है दोस्तों, ये मक्का में प्रोटीन के लिए डाला गया, मक्का में किसके लिए, प्रोटीन बढ़ाने के लिए, इसका नाम था ओपेक टू। नेक्स्ट है दोस्तों टिप्ट 23, ये बाजरा का जीन है दोस्तों, किसका जीन है, बाजरा में डाला गया एक जीन है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका काफिर 60 दोस्तों, ये है आपका ज्वार की फसल का जीन, यानी ज्वार की फसल में काफिर 60 नामक आपका जीन डाला गया। दोस्तों इन जीनों का विशेष याद रखें, कई बार इनको पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि ये जीन किसका है। ओके बात करते हैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों अनाज वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा को हम देखते हैं कि कौन सी अनाज वाली फसलों में कितना कितना प्रोटीन रहता है। सीरियल क्रॉप्स कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों, धान में 6-7% प्रोटीन पाया जाता है। धान में कितने परसेंट प्रोटीन रहता है, 6-7%। नेक्स्ट है आपका गेहूं में दोस्तों 11-12% प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है गेहूं में, व्हीट में आपका 11-12% आपका प्रोटीन रहता है। नेक्स्ट है बाजरा में दोस्तों 11-12% ही प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ज्वार, दोस्तों ज्वार में भी 10-12% के लगभग आपका प्रोटीन रहता है। नेक्स्ट है मक्का, दोस्तों मक्का में 10% प्रोटीन रहता है। जो में 11.5% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी प्रोटीन की मात्रा जो कि आपकी अनाज वाली फसलों में, धान को छोड़कर बाकी सभी फसलों में एक बात ध्यान रखना, सभी में लगभग 10-12% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। धान का आप स्पेशली याद रख लेना, सबसे कम प्रोटीन रहता है 6-7%, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों बात करते हैं आगे। दोस्तों अब बात करें हम दालों में प्रोटीन की मात्रा की। दाल जैसे चना की दाल में दोस्तों, या चना में कह सकते हैं 21.1% आपका प्रोटीन पाया जाता है। अरहर दोस्तों, अरहर में 21.25% 21.25% अरहर रहता है आपका प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मटर में 22.5% दोस्तों 22.5% आपका मटर में प्रोटीन पाया जाता है। आगे है दोस्तों लोबिया, तो लोबिया में 23.4% आपका प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है उड़द में 24% आपका प्रोटीन रहता है। मसूर यानी लेंटिन में 25% प्रोटीन पाया जाता है, एवं मूंग में 25% प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों इससे यह निश्चित हो गया है कि सभी दाल वाली जो फसलें होती हैं, जो आपकी दालें होती हैं ना, उनमें लगभग एवरेज में 20-25% प्रोटीन रहता है। अगर आपको मात्रा नहीं पता तो आप जनरल इसको याद रखेंगे, 20-25% सभी में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों ये तो हुई आपकी दालों की बात, अब बात करते हम आगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कुछ फसलों की उन्नतशील किस्मों के बारे में बताएंगे। दोस्तों उन्नतशील किस्में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इन किस्मों से क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए आप इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले है जया, इसको जादुई धान के नाम से जाना जाता है, और यह एक दोस्तों धान की एक बेहतरीन वेराइटी है, बोने धान की बेहतरीन वेराइटी है, क्योंकि जादुई धान इसका प्रोडक्शन एकदम बहुत ज़्यादा हुआ था, अभी भी होता है, तो इसको आपकी जादुई धान के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ, इसके बारे में मैं कुछ पहले जो वीडियो था उसमें बता चुका हूँ आपको कि जगन्नाथ एक उत्परिवर्तित किस्म है धान की। लुणीसिरी दोस्तों, लुणीसिरी धान की सुपर राइस जो है ना उसकी किस्म है दोस्तों। यह है आपकी क्षारीय भूमि जो होती है, लवणीय भूमि है, तो वहाँ पर इस वेराइटी को अच्छी प्रकार से उगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सुजाता कपास की वेराइटी है। दोस्तों सुजाता आपको पता होना चाहिए, ये किस्म कभी कई बार पूछी जा चुकी है, और आपकी सुजाता गेहूं की भी किस्म होती है, दोनों की किस्में इसलिए याद रखें, दोनों की एक महत्वपूर्ण वेराइटी है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका H4, सब लोग जानते हैं H4 कपास की पहली संकर किस्म है, हाइब्रिड वेराइटी जो है कि कपास की पहली वेराइटी प्रथम है। नेक्स्ट है आपकी बोलगार्ड, दोस्तों बोलगार्ड BT कपास की वेराइटी है। बोलगार्ड में जो आपका कीट नुकसान पहुंचाता है वो वाला कीट नहीं नुकसान पहुंचा पाता है बोलगार्ड में। जनरली हाई स्टार्च एक वेराइटी है जो कि मक्का की है, जिसमें अधिक आपका स्टार्च पाया जाता है। अवरोधी दोस्तों, अवरोधी चना की वेराइटी है। दोस्तों अवरोधी एक ऐसी वेराइटी है जिसमें उकटा रोग नहीं लगता है। कौन सा रोग नहीं लगता है, उकटा रोग चने में नहीं लगता है आपका अवरोधी जो वेराइटी है। आगे है दोस्तों बात करते हैं हम अर्पणा। दोस्तों अर्पणा मटर की एक ऐसी वेराइटी है जिसमें दोस्तों आपका
पत्तियां नहीं होती हैं, क्या नहीं होती, लीफलेस वैरायटी है अर्पणा, मटर की लीफलेस वैरायटी ध्यान रखें अर्पणा है। नेक्स्ट दोस्तों साल्विया, साल्विया मटर की महत्वपूर्ण वैरायटी है क्योंकि दोस्तों इसको विद छिलका के यूज किया जाता है, छिलका के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं, इसका नाम है साल्विया, विशेष याद रखना है दोस्तों दोनों को। नेक्स्ट है परभणी क्रांति, दोस्तों परभणी क्रांति भिंडी की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। अंगूर लता, दोस्तों अंगूर लता टमाटर की वैरायटी है, अंगूर की वैरायटी अंगूर लता नहीं होती, अंगूर लता टमाटर की एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों पूसा स्नोबाल, पूसा स्नोबाल फूल गोभी की एक अगेती किस्म है, दोस्तों पूसा स्नोबाल फूल गोभी की एक अगेती किस्म है। वरुणा, वरुणा सरसों की महत्वपूर्ण वैरायटी है, एक और याद रखना है इसके साथ अरुणा, दोस्तों अरुणा अंडी की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है जबकि वरुणा सरसों की महत्वपूर्ण वैरायटी है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोटीना, प्रोटीना मक्का की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगर आप कर रहे हो किसी भी कंपटीशन, एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी, दोस्तों आप लग जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आपको पूरी तैयारी, चाहे आप पीएटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी बीएचयू के हों, आईसीआर के हों, यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हो, जेट की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी यूजी या पीजी किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।